हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से वोटर स्कोर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में वोटर स्कोर सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद में हाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वोटर स्कोर का, आप उसको नोट कर सकते हैं। नोट कर सकने के बाद में आप उसको तरह से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वोटर स्कोर नेम का। यहाँ से आप अपने फ़ोन में वोटर स्कोर का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में हाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है WBP A3 पर्सनल। आप अपने फ़ोन में सिक्योरिटी को कुछ भी रख सकते हैं, WBP A2 पे भी रख सकते हैं एंड WBP A3 पे भी रख सकते हैं। इसके बाद में वेक होने के बाद में हॉटस्पॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। हाँ से आप अपने फ़ोन में पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, अपना नेम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से वेक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टर्न ऑफ ऑन वोटर स्पॉट ऑटोमेटिकली। आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपके फोन में वोटर स्पॉट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है MS कंटिन्यू। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी सेट करना चाहते हैं यहाँ से आप इस तरह सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फोन में वोटर स्पॉट सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक